मार्गदर्शक मामा जी एवं मामा युवा निदेशक विकास सर जो हमारे सेल्स गुरु भी हैं आपको नमस्कार। आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं अपनी भावनाओं को आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं जब से श्री नारायण पोडियम के टीम से जुड़ा हूं हमेशा मामा जी एवं विकास सर से सीखने को मिला, हमेशा इन दोनों के मार्गदर्शन में मैं अपने आप में सुधार करके इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। इसके लिए मैं इन दोनों का हमेशा आभारी रहूँगा। हमें आशा है इन दोनों के मार्गदर्शन से हम लोग श्री नारायण पोडियम को एक नई बुलंदी पर लेकर गए। बबली मैम वेरी गुड आफ्टरनून। टीचर्स डे सिर्फ विकास सर को नहीं बोलेंगे हैप्पी टीचर्स डे, मेरे लिए दो टीचर और एक कुंदन से लेके राहुल सर, क्योंकि इन लोगों से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। जब स्टार्टिंग मेरा हुआ था तो मैं यहाँ थी, यहाँ से यहाँ कभी सोचा नहीं। विकास सर ने जहाँ ट्रस्ट किया था मेरे ऊपर कि हाँ जो भी ये कर सकती है, वहाँ पर योगदान सबसे ज़्यादा कुंदन सर और राहुल सर का रहा है, उसके लिए थैंक यू। आदरणीय सर एवं मेरे प्यारे सहकर्मी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे मैं सर को और यहाँ उपस्थित मेरे सहकर्मियों को जिन्होंने मेरे को कुछ भी यहाँ पे सिखाया है उन सभी के लिए एक छोटा सा कविता मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। रोज सुबह मिलते हैं इनसे, क्या हमको करना है ये बतलाते हैं, लेके तस्वीरें इंसानों की, सही गलत का भेद हमें बतलाते हैं, कभी डांट दो कभी प्यार से, इतना कुछ हमको समझाते हैं, है भविष्य देश का जिनमें, उन सबका भविष्य बनाते हैं, है रंग कई जीवन में, रंगों की दुनिया से पहचान करवाते हैं, हो ना जाए भीड़ में कहीं हम, हमको हमसे मिलवाते हैं, हार हार के लड़ना ही है सच्ची जीत, ऐसा एहसास हमें करवाते हैं, कोशिश करते रहना हर पल, जीवन का अर्थ हमें बतलाते हैं, देते हैं नेक मंजिल भी हमें, राह भी बेहतर हमें बतलाते हैं, देते हैं ज्ञान जीवन का, काम यही है सब इनका, या शिक्षक कहलाते हैं या शिक्षक कहलाते हैं। क्या बात, क्या बात। सूरज जा कम सौरभ आ जाओ। सबको टीचर डे का हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा सफर श्री वैरायटी पोडियम से चालू हुआ था, जिस समय हम वहाँ पे आए थे तो मामा जी हमको मिले थे टीचर के तौर पे, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा और अभी तक वहाँ से मेरा सफर चालू हुआ और स्टेट स्कूल में आके चल रहा है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमने अगर किसी से सीखा है तो ये विकास सर से सीखा और एक कुंदन सर से सीखा और राहुल सर से सीखा है, क्योंकि कंप्यूटर वम्प्यूटर हम नहीं जानते थे पहले, इसके बारे में तो यहाँ पे उनको मिलने का सीखा सीखने का मौका मिला। और कोई भी रोक टोक तो नहीं है, कोई भी आप काम कर सकते हैं, ये छे चल कोई रुकावट नहीं है मेरे ख्याल से यहाँ पे, और जितने भी हमारे टीम है सहयोग की है, इसलिए हम यहाँ पे अभी हैं इस मुकाम पे, नहीं तो कहाँ पे कहीं रहते थे। अगर आपको सीखने का क्षमता है तो यहाँ टेंट उसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा सीखने का ये क्षमता हम मेरे हिसाब से। बाकी मेरे जो पुराने टीचर हैं वो है मामा जी शुरू से, उसमें शुरुआत से लगा हूँ। सुबह से ही मन बहुत भावुक है क्योंकि अभी फिलहाल लगभग 4 साल होने जा रहे हैं इस टीम के साथ जुड़े हुए,
और यहाँ जितना कुछ मैंने सीखा है अभी तक, यहाँ जो कुछ भी आज तक मैंने सीखा है वो चीज़ें मुझे लाइफ में अभी कहीं भी पिछले 10-11 सालों में सीखने को नहीं मिली। सबसे बड़ी बात है कि हम काम करने तो हर जगह जाते हैं पर वहाँ पे एक बड़ों का मार्गदर्शक हमेशा की कमी करते हैं, जिसकी कमी मामा जी ने यहाँ पूरी की। एक परिवार के तौर पे, एक छोटे बच्चे के तौर पे कभी भी कुछ भी चीज़ों में सही और गलत का एक पैमाना दिखाना, रास्ते का एक मार्ग बताना, वो मामा जी के द्वारा सीखा है। विकास से की बात करूँ तो जितने भी एक बिजनेस में टेक्निकल जो भी लैंग्वेजेस होते हैं या टेक्निकल माध्यम जो भी होते हैं उनका सारा मार्ग, सारा जो भी रास्ता है वो सब कुछ मुझे विकास से मिला। मैं जो भी शब्द आज कहूँगा वो सारे शब्द मेरे ख्याल से कम पड़ेंगे क्योंकि वो मेरे आंसू बयां कर रहे हैं। और अभी जो भी हमारे टीम मेंबर्स ने, खासकर राहुल ने जो कविता बोली या फिर जो सूरज भैया ने कहा कि यहाँ पे आना और यहाँ पे जो चीज़ें हमें मिली वो शायद अभी तक कहीं नहीं मिली और कहीं मिल भी नहीं पाएगी, वो एक अपनापन यहाँ हमेशा बना रहा है। और मैं चाहता हूँ कि जो भी आने वाले समय में हमारी टीम में जुड़ेंगे, आप सभी से जो भी जुड़ेंगे उन सब के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि हमारी टीम के साथ जुड़े आप। टेंट स्टूडियो सिर्फ एक नाम नहीं है, श्री वैरायटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो कि मामा जी ने काफ़ी बीते वर्षों से उसको चला रखा है और विकास सर ने उसमें काफ़ी बड़ा योगदान देकर उसको और बड़ा पैमाने पर खड़ा करने की कोशिश की है और उसमें हम लोग दिन पर दिन आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसमें सहयोग हमारे पूरे टीम मेंबर्स का है। मैं अकेले नहीं, विकास सर अकेले नहीं, मामा जी अकेले नहीं, सारे टीम मेंबर्स ने भी अपना पूरा योगदान दिया, जिस कारणवश आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। पिछले 4 वर्षों से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ बट आज तक कभी इस दिन जैसा माहौल कभी महसूस नहीं हुआ था। बट न जाने क्यों ये अचानक से ख्याल आया कि हमारे शिक्षक हमारे स्कूल में तो होते ही थे, हमारे कोचिंग में तो होते ही थे, लेकिन वो उन शिक्षकों को क्या जो हमारे साथ दिन भर हमारे साथ लगे होते हैं, हमें हर छोटी छोटी बातों को समझाते हैं ताकि आने वाले दिनों में हम एक अच्छे पोजीशन को गेन कर पाए, हम एक अच्छे नॉलेज को गेन कर पाए, तो वो सारे शिक्षक यहाँ हमारे सामने मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। चाहता हूँ आज हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है, कोई भी टीम मेंबर आगे कंटिन्यू करेंगे तो कोशिश करें कि हर साल ये 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट का ऐसा एक चीज जरूर करें। इससे ना सिर्फ आपको खुशी मिलेगी बल्कि पूरे टीम में एक उत्साह का माहौल जगेगा कि साल में कोई एक ऐसा दिन आता है जब हम ना सिर्फ अपने स्कूल वाले यादों को वापस याद कर पाते हैं बल्कि हम उनको धन्यवाद कर पाते हैं जिनकी वजह से आज हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे जहाँ भी रहें। वेरी गुड मॉर्निंग। आज शिक्षक दिवस है और इस मौके पे आप लोगों ने बोलने का मौका दिया है, सबसे पहले इसके लिए धन्यवाद। बेसिकली आज जो हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो आज जन्म दिवस है उसके उपलक्ष में हम लोग मनाते हैं और इसलिए मनाते हैं कि वो अपने जीवन में बहुत अच्छे शिक्षक के तौर पर जाने जाते हैं और शिक्षक और लीडर में बहुत सारी समानता भी है क्योंकि शिक्षक व्यक्तित्व को बनाता है और एक लीडर जो एक अच्छा लीडर होता है वो व्यक्तित्व के लिए एक संस्था बनाता है कि वो वहाँ आके काम करे और अपने जिंदगी के आगे का सफर तय करे। तो एक लीडर का एक देश को बनाने में, एक जगह को बनाने में बहुत बड़ा हाथ होता है। और मैं बोलूँ जैसे कि घड़ी के लिए मुख्य चीज़ क्या होता है, स्प्रिंग होती है, मशीन के लिए क्या होता है, पहिया होता है और जहाज के लिए इंजन होता है, ये सब न रहे तो ये सब बेकार है। वैसे ही एक संस्था के लिए अगर एक अच्छा लीडर न हो तो संस्था बेकार होता है। और आज मुझे इस संस्था में जुड़े हुए लगभग 2 महीने पूरे हुए और इस 2 महीने में एक दिन भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैंने आज कुछ नहीं सीखा, चाहे जिससे भी सीखा हो, जब भी सिखाओ और जिस समय में भी सिखाओ लेकिन सीखेगा। और साथियों की बात करें तो मैं जब इस यहाँ आया इस संस्था में तो सारे लोग मेरे लिए नहीं थे, संस्था भी नहीं थी, लेकिन जो हमारे लीडर्स थे, जो हमारे साथ थे, उन्होंने कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि हम नए हैं या वो नए हैं, कभी महसूस ही नहीं और लगता है कभी महसूस भी नहीं। और रोज इन लोगों ने कुछ ना कुछ सिखाया और इस तरीके से सिखाया ये भी नहीं समझ में आता था कि ये सिखा भी रहे। तो ऐसे लीडर्स के साथ जीना और ऐसे लीडर्स के अंदर में रहना
ये बहुत सौभाग्य की बात, और मैं अपने आपको बहुत सौभाग्यशाली मानता। सर से तो मेरे इंटरव्यू से लेंगे अभी तक मिलते रहा, लेकिन मामा जी से मैं मिला पहली बार आए तो ऐसा लगा कि इनको मैं बरसों से जानता हूँ। जैसे बैठ के समझा रहे थे, हम समझ रहे थे, जिस चीज़ों को जिस तरीके से रख रहे थे, कह रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे पिता होता है अपने बच्चे को बताता है कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं। ये जो चीज़ें होती है और जनरली मैनेजर्स नहीं बताते, जनरली लीडर्स आपको नहीं बताते। एक 4x8 या 10x12 के कमरा है, उसमें बैठे हुए लीडर्स आए, टारगेट देखे चले, आप नहीं कर रहे चले जाओगे, अगर कर रहे हो करोगे। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ों को देखते हैं, आके बताते हैं, ये पिता नहीं मेरे हिसाब से। और एक पिता के तौर पर मैं उस दिन देखा कि नहीं, यहाँ जो है जो भी है वो कुछ ना कुछ एक टीचर के तौर पर निभाते हैं और टीचर के तौर पर। तो सर आपके लिए एक ही लाइन कहूँगा कि आप जियो हजारों साल और साल के दिनों। क्या बात, और कोई है? हाँ, और कोई भी अगर अपने कुछ लाइंस बोलना चाहे तो चलिए, चलते हैं आप सीधे विकास सर और मामा जी के पास, और चाहता हूँ कि एक लास्ट समरी सर आप कुछ कंट्रीब्यूट करें हमारे टीम के लिए। सबसे पहले तो विकास सर के लिए जोरदार ताली। बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ और मुझे बहुत नर्वसनेस होता है कभी अनप्रिपेयर्ड कोई बात को बोलने का, बट आज जो खुशी की अनुभूति मुझे हुई है इस जगह पे आके, जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टीचर्स डे जैसी चीज़ें बनाने लग जाए और वहाँ आपके गोल में लर्निंग का पार्ट है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन ये डिफाइन करता है कि उसका गोल इज लर्निंग, जो अचीव करना चाहता है वो लर्निंग के थ्रू अचीव करता है, और उस ऑर्गेनाइजेशन के टीम मेंबर जब टीचर्स डे जैसे सेलिब्रेशंस करें, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरी मेहनत रही है, जो मेरी सोच रही है, मैं ट्रांसफ़र कर पाया हूँ आप लोगों में और आप लोग भी उससे उसके साथ जी रहे हो, तो ये मैं मतलब मेरा वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट होगा अपनी लाइफ का कि जो चीज़ें मैंने आज से 3-4 साल पहले परिकल्पना की थी उस चीज़ों को मैं ट्रांसफ़र कर पाया और आप लोगों ने उसको पूरी पूरी तरीके से जिया। तो सबसे ज़्यादा तो मैं आप लोगों को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि टीचर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ गुड स्टूडेंट। तो अगर मैंने सिखाने की कोशिश की तो आपने भी उतनी जान दे करके सीखने की कोशिश की, क्योंकि चेंज मैनेजमेंट सबसे टफ होता है, अपने में बदलाव लाना चाहे वो खुद में हो चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, सबसे टफ काम होता है, और आपने खुद के अंदर में वो बदलाव लाने की कोशिश की, वो चीज़ें सीखने की कोशिश की, तो मेरे से ज़्यादा बधाई को पात्र आप लोग हैं कि जो इतने अच्छे से आप लोगों ने सीखा और उस चीज़ को आप रेस्पेक्ट करते हो, तो मैं सबसे ज़्यादा पहले आपको धन्यवाद देता हूँ और आप लोग एक क्लैप होना चाहिए। मामा जी दो लाइन आपकी वजह से कुछ भी ये सब मेंबर्स और आप लोग बॉस विकास, आप लोग इस संस्था में यही कहेंगे ये आप लोग विकास के ये इसकी इच्छा रहती है आप कुछ सीखे आगे बढ़े बिजनेस में, और ये कुछ ना कुछ बिजनेस में सीखने की कोशिश करते रहता है, और ये अकेले सीखने की कोशिश नहीं करता है, ये चाहता है कि हमारे सब टीम मेंबर भी सब कुछ ना कुछ सीखे, तो जो टीम मेंबर है अपने आप में सीखने की क्षमता रखेगा वो कुछ ना कुछ सीखेगा, ये अब टेंथ स्टूडियो से अब और आगे बढ़ने की कोशिश करें, और हमारी यही इच्छा रही कि सब मेंबर एक होकर काम करें, उसमें क्या है कि विकास जी आज आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप लोग भी कोशिश करेंगे तब ये आगे बढ़ सकते हैं, जब कह लेता है कि हम आगे बढ़े नहीं हो सकते, इसलिए हम इच्छा रही आप लोग पूरा सहयोग दें और गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। संजय सर बताइए नाश्ता कैसा है? पूछने आके तो समझ आ रहा है। बढ़िया बढ़िया। रितेश जी आप बताइए। पास है। पास है माने कैसा लग रहा है? बढ़िया है। बढ़िया है नू। आओ नान जी बताइए आप तो। नान जी का मुंह नहीं चल रहा है, देख रहे हैं। अरे राहुल सर को लेना जरूरी है।
कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये? ये बहुत बड़ा अश्लील है ये लोंडा। किस्मार्क किस्मार्क हाँ। अब राहुल सर कैसा लग रहा है नाश्ता है? टीचर डे मना के कैसा लगा आपको? अच्छा, ये देखिए सब कोई नाश्ता कर रहे हैं। सनोज जी आपका अभी नाश्ता नहीं किए हैं? अच्छा, देखिए हमारे सनोज जी अभी नाश्ता नहीं किए हैं, अभी डब्बा रखा हुआ है। मैं टीचर डे में क्या आपको क्या लगा आपको उत्साहित लगा? बिल्कुल होना भी चाहिए, एकदम सही। पूजा तुम बताओ। अरे नाश्ता के बारे में नहीं पूछ रहे, तुम खाने के फेर में खाली रहती हो। जी तो अब पहुँचे हम लोग संजय सर के पास। फिलहाल संजय सर नाश्ता का आनंद उठाते हुए, बट फिर भी संजय सर से जानना चाहेंगे। संजय सर, आज के सबसे विशेष जो हमारे गणपति बाबा आज हमारे द्वार पधारे, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे और कैसा लगा आपको वो हमारा तोहफा? अनएक्सपेक्टेड। तो अंदर से कुछ भी कोई शब्द आप कहना चाहें, और आज जो कुछ भी हमने प्रोग्राम रखा हो उस विषय में। नहीं, ये तो एक नया कल्चर शुरू हुआ जी, जो कि आगे हम लोग ऐसे ही हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी से मिलते हैं। मनीष जी कैसे हैं? नाश्ते का आनंद ले रहे हैं, कैसा लग रहा है नाश्ता? शुरुआत भी अच्छा हुआ है तो अंत अच्छा हो रहा है। क्या बात है। तो नाश्ते का आनंद, मतलब नाश्ते में जो चीजें हम लोगों ने अरेंज की वो चीजें व्यवस्थित है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब पेट भर जाएगा ना उससे? पेट से ज्यादा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आज के विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप? चलिए पहले नाश्ते का आनंद ले लीजिए आप। रितेश जी क्या कहते हैं आज के बारे में आप, और नाश्ता कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया व्यवस्था था। अच्छा, आज जो कुछ भी हुआ वो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। गिफ्ट को देखकर क्या कहना चाहेंगे आप, तोहफे को देखकर? गणपति बप्पा मोरिया। क्या बात है, क्या बात है। चलिए और आगे मिलते हैं। क्या हाल है नंद भैया? ठीक ठाक। कैसा है नाश्ता? बहुत बढ़िया। आनंद ले रहे हैं? बहुत। चलिए आनंद से भी जानते हैं कि वो कितना आनंद ले रहे हैं। आ रहे हैं भाई आनंद। जी सर। कितना आनंद लिया जा रहा है? बहुत ज्यादा सर। बहुत ज्यादा। कैसा लगा आज? बहुत अच्छा। मजा आया? मजा आया। गिफ्ट कैसा लगा? अति सुंदर, अकल्पनीय, जिसकी कोई कल्पना की ना जाए। कल्पना की ना जाए, क्या बात है। मुझे इतना बेहतर लगा जो मैं बता नहीं सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। क्या बात, क्या बात है। इधर हमारे शहनवाज भाई भी नाश्ता करते हुए, कैसा लग रहा है शहनवाज? सर बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है या हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं। कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा। चलिए, यहाँ बगल में हमारे अभिषेक भैया हैं, जिनके लिए अक्सर ये खबरें उठती रहती है कि आखिर अभिषेक भैया की शादी कब होगी। तो उस विषय को फिलहाल हम लोग नवम्बर में, उस विषय को फिलहाल तो हम लोग एक साइड में रखते हुए आगे बढ़े। तो नाश्ता कैसा लग रहा है? गर्म है आपका पनीर पैटीज? नहीं, ठंडा हो गया। ठंडा हो गया, ये शिकायत मिली है। चलिए कोई बात नहीं, रास्ता में लाते समय ठंडा हो गया। गिफ्ट तो ऐसे कल आपने देख लिया था, बट फिर भी उस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अति सुंदर, और टीचर डे के समय में यही देना चाहिए। यही सब जो है सर भी देखे तो उनका लगा कि हाँ ठीक है, और हम लोग बहुत उत्साहित। आज कैसा रहा आज सुबह का जो भी? सुबह से 9 बजे हम तैयार हो गए थे, कॉल भी किए, तब फिर पता चला कि सर थोड़ा विलम्ब है, सर 11 बजे ऑफिस में फिर इन करेंगे। तो फिर बाहर निकल के इतना खुशी था, बाहर निकले फिर ऊपर जाकर आराम से थोड़ा देर बैठे हैं, देख रहे कब 10 बज रहा है। 10 बजे समय का इंतजार बहुत ज्यादा था, उत्सुकता थी। लेकिन आज आते ही साथ कुछ अलग सा महसूस हुआ, अच्छा महसूस हुआ। क्या बात, कुछ अलग ही है ना, नया होने वाला है। आज माहौल में कुछ अलग है। हाँ, सभी के फेस को आज देखते जो एंट्री किए, जिस जोश के साथ एंट्री किए, वो देखने लायक। चल चल, थैंक यू थैंक यू। चलते हैं अब हमारे सूरज भैया के पास, और सूरज भैया से जानने की कोशिश करते हैं कि आज के विषय में वो फिलहाल क्या कहना चाहते हैं। तो हाँ सूरज भैया, क्या हाल है? हैप्पी जर्नी। कौन कहाँ जा रहा है भाई? अरे हम जा नहीं रहे, आ रहे हैं। और बताइए कैसा रहा आज सुबह से अभी तक का सफर?
सुबह 5 बजे भोर में उठे यूपी आना था ऑफिस, हम थे हरनौत में, ठीक ना, एक्साइटिंग में जाना था कि आना है, फिर भी लेट हो गया, फिर भी समय से पहुंच पाए, गाड़ी बहुत अच्छी चलाए, ठीक ना, बहुत बहुत धन्यवाद, और क्योंकि सरप्राइज देखना था और सर कुछ अपने दिल से कुछ निकालना था, क्योंकि अगर हम माने तो क्या कहे उसके बारे में, हम अपने आपको आज मन हल्का हो गया कि मेरा मन जो था ना 5-6 साल से जब से काम कर रहे कुछ भी सर या मामा जी के बारे में प्रकट नहीं कर पाए, तो आज हमने बोल पाया, बहुत अच्छा लगा। गणपति पापा मोरिया, गणपति पापा मोरिया, बाकी आपका ये जो है ना बड़ा वाला, इसे पेट भर जाएगा, पेट भर जाएगा, क्या बात। चलिए तो हाँ, पूजा बची हुई है अभी। पूजा क्या हाल है और कैसा लग रहा है नाश्ता? नाश्ते का आनंद उठा रही है? आज का दिन कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। गिफ्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा। चलिए थैंक यू सो मच। चलिए तो मिलते हैं फिर आगे, अभी तक का सफ़र तो बहुत अच्छा है, देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है।